अभी हम मौजूद हैं सुपौल ज़िले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापगंज में। जी हाँ, अभी दो दिन पहले एक सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जो यहाँ के ग्रामीण हैं वो सड़क पर से उन्हें उठाकर इस हॉस्पिटल में लेके आए, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि उन दो में से एक व्यक्ति की मौत यहाँ पहुँचने से पहले ही हो गई, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था वो गंभीर रूप से घायल था और उसे जब इस हॉस्पिटल में लाया गया तो यहाँ पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफ़र किया गया था, लेकिन रेफ़र होने के एक घंटे के बाद भी उन्हें एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराया गया। आपको बता दें कि ये जो हॉस्पिटल है ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पर विगत दो महीने से एम्बुलेंस नहीं है, और अगर समय रहते उस व्यक्ति को एम्बुलेंस मिल जाता और वो अच्छे हॉस्पिटल में चले जाते तो उनकी जान बच सकती थी, लेकिन यहाँ पर जो एम्बुलेंस नहीं है इस कारण से उसे एक घंटे यहाँ वेट करना पड़ा, एक घंटा इंतज़ार करना पड़ा, जिसके बाद सिमराही से प्राइवेट एम्बुलेंस को बुलाया गया और उसके बाद उस व्यक्ति को यहाँ से दरभंगा के लिए रेफ़र किया गया था। दो महीने से यहाँ पर जो एम्बुलेंस नहीं है तो जो यहाँ पर प्रसव पीड़ा में जो महिला रहती है उसे इस हॉस्पिटल तक आने में बहुत सारी असुविधाएँ होती है, क्योंकि आजकल एम्बुलेंस का समय है और सभी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस मौजूद है जिस कारण से लोगों को आसानी होती है हॉस्पिटल तक पहुंचने में, लेकिन यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं रहने से जो गर्भवती महिलाएं होती है जब उसे प्रसव पीड़ा होती है तो उसे कुछ ना कुछ अपना साधन से उन्हें आना होता है। बहुत सारे ऐसे भी महिलाओं को देखा गया है जो ठेला या ऑटो में बैठ कर आती है। आपको बता दें कि ये एक ऐसा हॉस्पिटल है, आप देख सकते हैं ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर जो चिकित्सक हैं उसकी भी बहुत ज़्यादा कमी यहाँ पर है, घोर कमी है, और यहाँ पर मात्र दो चिकित्सक हैं जिसके भरोसे ये पूरा हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा है। तो आइए हम चलते हैं और यहाँ के चिकित्सा प्रभारी से मिलते हैं, उनसे जानते हैं कि जो यहाँ पर बहुत सारी एम्बुलेंस नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, और भी क्या क्या समस्याएँ हैं और उन समस्याओं का निपटारा के लिए उन्होंने क्या कदम उठाया है। तो अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं, हमारे साथ यहाँ के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस कदम में उन्होंने क्या क्या किया है। सर, यहाँ पर जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर विगत दो महीने से एम्बुलेंस यहाँ नहीं है, तो इसकी समस्या को दूर करने के लिए आपने क्या कदम उठाया? मैंने कई बार सिविल सर्जन महोदय को लिखा है इस बारे में, एम्बुलेंस ख़राब है, हर मीटिंग में चर्चा होती है, डीएम साहब की मीटिंग में भी कई बार चर्चा हुई, एम्बुलेंस की भी चर्चा होती है उसमें, और ये संज्ञान है, सभी लोगों को मालूम है कि पीएससी का एम्बुलेंस ख़राब है, हमेशा ख़राब रहती है, बन के भी आती है तुरंत फिर ख़राब हो जाती है, इसकी सूचना सबों को, और हमारे जो जिला के ACO हैं एम्बुलेंस के हेड हैं संचालक के, उनको भी हमेशा सूचना देते मिलती रहती है एम्बुलेंस के बारे में, लेकिन अभी तक 1.5-2 साल हो गए आश्वासन नहीं मिलता रहा कि आ रही है नया एम्बुलेंस तब दे रहे हैं। और कल फिर लास्ट बात हुई उनसे ACO से, तो उन्होंने कहा कि आपको सोमवार को एम्बुलेंस निश्चित रूप से मिल जाएगा, अब पता नहीं ये सही है गलत है। तो सर आप ये बताइए कि यहाँ पर जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पर जो है डॉक्टर जो है अभी कितने हैं यहाँ पर? अभी मैं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के अलावा एक डॉक्टर आनंद कुमार सिंह और एक दंत चिकित्सक हैं, केवल दो ही चिकित्सक हैं, और यहाँ कम से कम मिनिमम प्रभारी के अलावा 5 चिकित्सक जरूरी है 24x7 सेवा के लिए। इसके लिए मैंने चिकित्सक कमी यहाँ बहुत दिन से चल रही है, इसमें कई बार मैंने प्रधान सचिव, उप सचिव, प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना, उप सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना, जिला पदाधिकारी महोदय सुपौल और सिविल सर्जन महोदय सुपौल को कई बार पत्राचार के द्वारा पत्राचार किया गया है, ईमेल से भेजा गया चिट्ठी और डायरेक्ट हैंड टू हैंड भी चिट्ठी पहुँचाया गया है, और प्रधान सचिव को भी 4-5 बार रजिस्ट्री किया जा चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ के चिकित्सा की समस्या ख़त्म नहीं हुई है, जिसके कारण काफ़ी डॉक्टर लोगों को भी, अस्पताल में मरीजों को भी, आम लोगों को भी परेशानी होती है, क्योंकि चिकित्सक 24x7 सेवा में काफ़ी जो है संभव नहीं पाता है, 2-3 उसमें कोई छुट्टी पर चला गया या कोई ट्रेनिंग है, कोई मीटिंग है, तो काफ़ी समस्या हो जाती है। तो आपने अभी जाना
कि जो चिकित्सा प्रभारी हैं जो यहाँ के प्रभार में हैं, उन्होंने कहा कि कई बार वो एम्बुलेंस के लिए और जो यहाँ पे चिकित्सकों की कमी है उसको लेके विभाग को लिखा है, और साथ ही जो मुख्य सचिव हैं उसे भी कई बार उन्होंने पत्राचार और ईमेल के माध्यम से इसकी सूचना दी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर इस तरह से जो यहाँ के प्रभारी है वो बार बार विभाग को लेटर दे रहे हैं कि हमारे यहाँ एम्बुलेंस नहीं है, हमारे यहाँ चिकित्सकों की कमी है, लेकिन फिर भी विभाग इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है। यहाँ देखिए, ये दंत चिकित्सक का जो कमरा है, ये दंत चिकित्सक का कमरा है। यहाँ पर सरकार के द्वारा सारी मशीन लगाई गई है और दंत चिकित्सक को दिया गया है, यानी कि जो दांत के संबंधित या मुख के संबंधित किसी को परेशानी है तो उसके लिए यहाँ पर समुचित व्यवस्था की गई है। आगे हम यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर ये कमरा बंद पड़ा हुआ है, ये कमरा जो है इसमें एक्सरे की मशीन लगाई गई है, यहाँ पर एक्सरे की सुविधा दी गई है, लेकिन एक्सरे करने के लिए जो टेक्नीशियन है उसकी बहाली अभी तक नहीं की गई है। इसके अलावा ये पूरा हॉस्पिटल आप देख सकते हैं, ये इमरजेंसी वार्ड है और इधर जो है कोविड-19 का जाँच किया जा रहा है। तो जो सभी व्यवस्थाएँ हैं, व्यवस्था कम कर्मचारी में भी जो यहाँ के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी है वो सुचारू रूप से चला रहे हैं, लेकिन जहाँ तक जो विभाग का काम है, विभाग अपना काम सही से नहीं कर रही है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के बातों को सुनने के बाद हम यह कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो बिहार सरकार है, जो स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार है, वो इस हॉस्पिटल के प्रति अनदेखा कर रही है, वो इस हॉस्पिटल के प्रति अपना जो तीसरी आंख है उसे नहीं खोल रही है, और इस हॉस्पिटल को एक प्रकार से सोचिए कि इस हॉस्पिटल को ऐसे ही छोड़ दिया गया है, भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, और यहाँ के यूँ कहे तो यहाँ के लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। तो क्या है यहाँ के जो हमारे बिहार सरकार के पदाधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी हैं, खास करके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, हम उनसे यह कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं इस हॉस्पिटल की जो दुर्व्यवस्था है, जो इस हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है, इस हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं है, इसकी समुचित व्यवस्था कराई जाए और जल्द से जल्द व्यवस्था कराई जाए। क्योंकि अगर यहाँ के लोगों की हम बात करें तो यहाँ के लोग जो हैं वो केवल इस हॉस्पिटल के भरोसे यहाँ पे आते हैं, उन्हें लगता है ये एक रूरल क्षेत्र है, एक छोटा गांव है, तो यहाँ के लोगों को लगता है कि अगर हम इस हॉस्पिटल में आएंगे, यहाँ पर आएंगे तो हमारी इलाज सही रूप से हो जाएगी, लेकिन ऐसा देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो जो स्वास्थ्य विभाग के जो भी कर्मचारी हैं, जो भी स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी हैं, हम उन सबों से यह निवेदन करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल की समस्याओं को दूर किया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए एमके न्यूज इंडिया के साथ, सहयोगी विवेकानंद के साथ, मैं आशीष वर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सुपौल। अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। खुल गया श्वेता इंटरनेशनल स्कूल, कक्षा नर्सरी से 5वीं तक। विजिट नाउ नियर ललित ग्राम रेलवे स्टेशन, लक्ष्मीनिया वार्ड नंबर 8, मोबाइल नंबर 9631367455 और 8252074721।